हेलो एवरीवन माय सेल्फ प्रमोद ढाका फिजिक्स फैकल्टी सी एल जी सीकर तो डियर आज के लेक्चर में हम लोग हीट ट्रांसफर कैलोरीमेट्री और थर्मल एक्सपेंशन के 2019 जेई में और 2020 थाउजेंड ट्वेंटी जेई मैंस के पेपर में 19 में जेई मैंस के दो सेशन और 20 में जो एक हुआ है अभी जनवरी में उनके पेपर्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको डील करने जा रहे हैं ठीक है डियर ओके लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन की अपन बात करें देखो इसमें क्या बोल रहे हैं

जिसकी लेंथ है देखो इधर लेंथ एल बाई फोर दी है इसका मतलब इधर लेंथ कितनी होगी ऑब्वियसली इधर भी एल बाई फोर होगी और इस वाले साइड में लेंथ होगी होगी वो क्योंकि टोटल लेंथ जो है वो 3L by 2 है ठीक है साहब ए बी एस सी फिगर इन स्टडी स्टेट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू विल बी क्लोजेस्ट टू कि स्टडी स्टेट में पी और क्यू जो है ना इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है और इसके अक्रॉस ए और बी के अक्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस है दैट इज 120 डिग्री सेल्सियस ठीक है डियर तो इसकी यदि अपन बात करें ना बिटू अपन इसको बिल्कुल अपने पोटेंशियल वाले कंसेप्ट से करते हैं ना कि किसी भी रजिस्टेंस से जो करंट फ्लो होता है जैसे मान लो ये रजिस्टेंस आर है इसके अक्रॉस इधर पोटेंशियल वी है इस साइड में पोटेंशियल वी है तो इसमें से जो करंट फ्लो होता है ना दैट इज डेल्टा वी वी वन माइनस वी टू अपॉन रेजिस्टेंस आर

एरिया और एल जो है उसकी लेंथ है ठीक है डियर तो इस वाले केस में अपने पास इधर वाली जो रोड है देखो एक रोड है ना वो इस टाइप से है ना इधर लेंथ है एल बाई टू इधर लेंथ है एल और इधर अगेन लेंथ है एल बाई टू इधर लेंथ है मेरे पास एल बाई फोर इस साइड में लेंथ है एल और इस साइड में लेंथ है बेटू एल बाई फोर तो मैं एक काम करता हूं देखो मैंने कहा एल लेंथ का रेजिस्टेंस यदि मान लेता ना क्योंकि रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जो है थर्मल तो अगली एल बाई टू का आर बाई टू तो रजिस्टेंस आर बाई टू इधर रेजिस्टेंस आर डियर इधर रेजिस्टेंस आर बाई टू और इसके ऊपर तो अपने पास आ रहा है थ्री आर बाई टू बोलो डियर क्लियर है क्या ठीक बात यदि मैं इन दोनों को सोल्व करता हूं कि दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहां रेजिस्टेंस है मेरे पास आर बाई टू यहां रेजिस्टेंस मेरे पास इन दोनों को सोल्व करने पर आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन आर वन आर टू अपन आर वन प्लस आर टू थ्री आर बाई फाइव और यहां रेजिस्टेंस है आर बाई बोलो डियर फिर देखो यहां टेम्परेचर है टी वन, यहां टेम्परेचर है टी

ये वाला डाटा जो है ये वाला डाटा है सो इट इज हैल्टीप्लीकेशन में कितना आ गया इधर वाला अपने पास थ्री चला गया एंड दिस इज टी थ्री माइनस टी फोर टेम्परेचर डिफरेंस तो इसकी वैल्यू जो मेरे पास कैलकुलेट होकर आ रही है ना बिटू टी थ्री माइनस टी फोर दैट वैल्यू कम से कितना फोर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस तो जो रोड अपने को जो पूछा है इस वाले केस में कि ये वाले जो टर्मिनल्स पी और क्यू है इनके बीच टेम्परेचर डिफरेंस अपना रहा 45 डिग्री सेल्सियस। so ठीक है चलो बेटा जी, बात को आगे बढ़ाते नेक्स्ट क्वेश्चन की सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है कि एक रोड है ए रोड ऑफ एट रूम टेम्परेचर एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ प्रोस्टेक्शन कैपिटल ए इज मेड ऑफ ए मेटल है एक्सपेंशन अल्फा पर डिग्री सेल्सियस की एक धातु की छड़ की लंबाई

यदि रोड के टेम्परेचर में इंक्रीमेंट करते हैं तो उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट होता है हम क्या चाह रहे हैं कि कंप्रेसिव फोर्स लगा के उसकी लेंथ में कोई इंक्रीमेंट ना हो ठीक है यंग्स दे रखा है इस मेटल का जो अपने को वाई है और वाई की वैल्यू बाकी जो गिवन डाटाज है ना उनके टर्म्स में अपने को कैलकुलेट करनी है ठीक है सर तो हमने कहा भी देखो ऐसा केस है ये रोड लेंथ है यदि आप डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो लेंथ में इंक्रीमेंट होता है एल एल्फा डेल्टा टी बट आपने कंप्रेसिव फोर्सेस लगा रखे हैं बेटा तो इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट नहीं होगा सो दैट विल बी द डिक्रीमेंट एक्चुअल लेंथ कितनी होती बोले एक्चुअल लेंथ लेंथ होती होती इसकी डिजायर्ड अल्फा डेल्टा टी और कंप्रेसिव फोर्स लगाने पर है कितनी एल तो लेंथ में डिक्रीमेंट कितने का है दैट वैल्यू इज एल अल्फा डेल्टा टी। बोलो डियर, सही है 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 अच्छा फिर हमने कहा सर यंग्स का जो जो होता है, वो होता वो ये कंप्रेसिव फोर्स जो लग रहा है, दोनों साइड से वो एफ लग रहा है तो एफ अपोन ए साथ में यहां पर क्या लिखते हैं अपन एल वन प्लस टी है बोलो हाँ कि ना बट बहुत सारी बार और बहुत सारी जगह है ना ये वाला डाटा जो है वन प्लस अल्फा डेल्टा टी ये नेग्लिजिबल होता ही है क्योंकि अल्फा की वैल्यू जनरली टेन रेज टू दोपहर माइनस फोर टेन रेज माइनस फाइव पर डिग्री सेल्सियस होती है तो ये डाटा जो है इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू जो अपने पास आती है दैट इज एफ एल वन प्लस अल्फा डेल्टा टी इज वन डिवाइडेड बाई ए एल अल्फा डेल्टा टी ठीक है डियर तो एल तो सही हो गया अपना इस वाले केस में अपने पास वैल्यू जो आ रही है दैट इज एफ अपॉन ए अल्फा डेल्टा टी बोलो डियर क्लियर है क्या तो यदि मैं यहां से बात करूं ना बेटा जी तो करेक्ट ऑप्शन जो इस क्वेश्चन के लिए मेरे पास आ रहा है that is third one. Clear है दैट इज थर्ड वन क्लियर डियर ओके okay भाई आगे बढ़ाते हैं बात को ओके okay डियर तो अब अपन अपने अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर थ्री इसमें बोल रहा है कि एक हीट सोर्स एट ए टेम्परेचर थाउजेंड कैलविन एक हीट सोर्स है जो कि टेम्परेचर थाउजेंड केल्विन पर है ठीक है इस कनेक्टेड टू अनदर हीट सोर्स अनदर हीट रिजर्वर एटरेचर हंड्रेड केल्विन कि एक साइड में टेम्परेचर 1000 केल्विन है दूसरे साइड में 100 केल्विन है बाय ए कॉपर स्लैब विच इज वन मीटर थिक की एक कॉपर स्लैब है एक लेंथ इसकी वन मीटर है ठीक है ओके इस स्लैब के इस साइड में जो टेम्परेचर है दैट इज 1000 केल्विन और बेटू इस स्लैब के इस साइड में जो टेंपरेचर है दैट इज 100 केल्विन यही तो बोला टेंस फॉर 3 एंड टेंस फॉर 2 और यह पूछ रहा है कि इससे एनर्जी फ्लैक्स जो है वो कितना फ्लो करेगा तो हमने कहा स्टडी स्टेट, तो स्टेट में एनर्जी फ्लो पर यूनिट टाइम जो होता है ना हींट उसकी वैल्यू होती है मेरे पास के ए

अब केक की वैल्यू तो ऐसा यूनिट में जीरो पॉइंट वन गिवन है डेल्टा टी जो है दैट इज कमिंग एज नाइनटी वॉट पर मीटर स्क्वायर क्लियर है डियर तो इसके करेक्ट आंसर की यदि बात करें देन सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ठीक है चलो बेटा जी आगे बढ़ाते हैं बात को आगे बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फोर की देखो फोर में क्या कह रहा है

जिसमें वाटर कितना है 240 ग्राम और उसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है 8.4 डिग्री सेल्सियस ठीक है साहब फिर वो बोल रहा है कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ द अननोन मेटल इफ वॉटर टेम्परेचर स्टेबिलाई ट्वेंटी वो कह रहा है कि इस मेटल का स्पेसिफिक हीट जो है वो आपको फाइंड आउट करके बताना है ठीक है और फाइनल टेम्परेचर जो है इस कंडीशन में दैट इज 21.5 डिग्री सेल्सियस ठीक है डियर तो यदि अपन अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं <coughs> भाई देखो कंडीशन क्या है कि इसका टेम्परेचर हाई है और इन दोनों का टेम्परेचर जो है ये कैलोरीमीटर प्लस का लो है तो वो मेटल जो है वो एनर्जी देगा कैलोरीमीटर प्लस वॉटर को तो जितनी मेटल एनर्जी देगा मेटल कितनी एनर्जी देगा दैट इज 192 नाइनटी टू इंटू स्पेसिफिक हीट लेट इट इज सी इंटू में टेम्परेचर डिफरेंस कितना बिटू it is 100 21.5 अब किस-किस ने एनर्जी ली एक तो ब्रास ने ली ब्रास का मास है 128 स्पेसिफिक हीट है 394 और टेंपरेचर जो है फाइनल है 21.5 और इनिशियल है 8.4 हीट यही होता है m into c into डेल्टा t प्लस में वाटर के लिए क्या पुट करेंगे सर वाटर के लिए ये वाला डाटा 240 ग्राम स्पेसिफिक हीट एसआई यूनिट में होती है 4200

तो यहां से डाटा सोल करें दिस इज वन नाइनटी टू इन टू में सी इन टू में ये वाला डाटा मेरे पास आता है सर कितना ठीक है इधर वाला डाटा मेरे पास आता है वन ट्वेंटी एट इन टू में थ्री नाइनटी फोर प्लस में इसको कॉमन ले लो दिस इज टू फोर्टी इन टू में फोर्टी टू हंड्रेड इन टू में कितना दिस इज ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव माइनस एट पॉइंट फोर कितना बचा सर थर्टीन पॉइंट वन ठीक बात है डियर क्लियर अब यदि अपन यहां से कैलकुलेट करते ना तो यहां से इस स्पेसिफिक हीट सी की वैल्यू जो है अब कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूं बेटा स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आती है 916 जूल पर केजी मैंने बिल्कुल सोल्व करके देखा है ये आंसर आ रहा है तो इसका जो आंसर है सेकेंड ऑप्शन uh, जो है दैट इज द करेक्ट आंसर मेन कंसेप्चुअल बात यह थी कि जिस बॉडी का टेम्परेचर हाई है वो लो टेम्परेचर वाली बॉडी को एनर्जी देती है लो टेपरेचर वाली बॉडी एनर्जी लेगी तो इसने कितनी एनर्जी ली इन दोनों ने इतनी एनर्जी ली और इसने बिटू इतनी एनर्जी दी तो वहां से अपन स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्लियर ओके डियर चलो बात को आगे बढ़ाते हैं फिर क्वेश्चन नंबर फोर के बाद अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर फाइव देखो फाइव में क्या बोल रहा है आइस एट माइनस डिग्री सेल्सियस Ice का इनिशियल टेम्परेचर कितना है माइनस ट्वेंटी डिग्री ग्राम ऑफ वॉटर एट फोर्टी डिग्री सेल्सियस। पचास ग्राम पानी जिसका टेम्परेचर चालीस डिग्री डिग्री जीरो स्टिल अनमेल्टेड कि इसमें से आइस का जो अमाउंट है उसमें से 20 ग्राम आइस जो है वो अभी भी बच गई है जीरो डिग्री सेल्सियस पर आइस फॉर्म में है ठीक है द अमाउंट ऑफ आइस एडेड टू द वॉटर वॉज क्लोज टू कि जो अमाउंट आपने आइस का एड किया था उसकी क्लोजेस्ट वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बतलानी है ठीक है अच्छा सर तो हमने कहा जी साहब ऐसा मान लो देखो हो क्या रहा है इक्लिब्रियम आ गया है जीरो डिग्री सेल्सियस पर मतलब अब कोई ना तो एनर्जी ले रहा है ना एनर्जी दे रहा है तो आइस ने कितनी एनर्जी सप्लाई की पहले ये सोचो लेट सपोज मैंने कहा एम ग्राम आइस थी ठीक है इनिशियली कितने डिग्री सेल्सियस पर माइनस ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस पर अब ये आइस क्या सबसे पहले आइस जो है वो वाटर से एनर्जी ले रही है ठीक है तो आइस का टेम्परेचर राइज होगा और आइस का टेम्परेचर जब जीरो डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा एम ग्राम आइस एट जीरो डिग्री सेल्सियस फिर उसके बाद इसमें से कुछ अमाउंट मेल्ट हो गया और ट्वेंटी ग्राम अभी भी बच गई तो मेल्ट कितना हुआ एम माइनस हीट कितनी दे रहा है टू पॉइंट वन एम इंटू टू पॉइंट में टेम्परेचर इंक्रीमेंट कितने का हुआ माइनस ट्वेंटी से जीरो तो ट्वेंटी का फिर उसके बाद इस वाले केस में बात करें तो एम माइनस ट्वेंटी इंटू वट इज द ट ऑफ फ्यूजन लैटेंट हिट ऑफ फ्यूजन अपने को गिवन है द्री फोर्टी 344 ग्राम जूल पर ग्राम इज इक्वेस्ट टू अब देखो दूसरी साइड से यदि मैं सोचूं तो मेरे पास वाटर है 50 ग्राम वाटर है 40 डिग्री सेल्सियस पर 50 ग्राम वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस और ये किस पर आ गया ये आ गया मेरे पास 50 ग्राम वाटर एट जीरो डिग्री सेल्सियस मतलब इसकी एनर्जी डिक्रीज हुई है और इसने कितनी एनर्जी दी इसने एनर्जी दी बिटू फिफ्टी इंटू में फोर पॉइंट टू इन टू टेम्परेचर डिफरेंस वॉट फोर्टी बात समझ में आई क्या बिटू मैन मुद्दा कंसेप्ट की बात करें तो सर सबसे पहले आइस का टेम्परेचर बढ़ा कुछ अमाउंट मेल्ट हुआ इसके लिए जो नेसेसरी एनर्जी है वो किसने प्रोवाइड की बोले वॉटर ने प्रोवाइड की तो डियर अब यदि अपन इसको सोल्व करते हैं ना तो यहां से एम का अमाउंट जो आ रहा है दैट इज अप्रोक्सीमेटली फोर्टी ग्राम आ रहा है मतलब अप्रोक्सीमेटली जो आपने आइस एड की थी ना उसका अमाउंट है डियर कितना फोर्टी ग्राम इनिशियली जो एडेड आइस थी उसका अमाउंट है फोर्टी ग्राम ठीक है डियर चलो फिर बात को आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की बात करें दैट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो भी क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या बोल रहे हैं व्हेन हंड्रेड ग्राम ऑफ अ लिक्विड एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ज एडेड टू फिफ्टी ग्राम ऑफ ए लिक्विड बी एटरेचर सेवन डिग्रीचर ऑफ द मिक्सर बिकम्स नाइनटी डिग्रीड है जिसका अमाउंट है सो ग्राम जिसका टेम्परेचर है सो डिग्री दूसरे लिक्विड जिसका अमाउंट है पचास ग्राम फिफ्टी ग्राम और इनिशियल टेम्परेचर है सेवन डिग्री और इन दोनों को आपने मिक्स कर दिया और मिक्सर का जो फाइनल टेम्परेचर आपके पास आ रहा ना डियर वो आ रहा है तो हमने कहा जी साहब ऐसा है देखो कि एक एनर्जी में लॉस होगा और बी की एनर्जी में गेन होगा तो एक की एनर्जी में लॉस कितने का हुआ मास इनटू इन टू स्पेसिफिकल इज हंड्रेड एंड दट नाइनटी टेम्परेचर डिफरेंस इज टेन इज टू बी के लिए लिखेंगे यदि like अपन बात करें तो 90 फाइनल इनिशियल 75 15 का इंक्रीमेंट हो गया ठीक है डियर अच्छा अब यहां से देखो एक जीरो से तो जीरो सही हो गया और सोचें डाटा में यदि ये कैंसिल आउट हुआ 20 टाइम्स इधर 20 इधर 15 तो इधर 4 अल्फा वन ये वाला डाटा मेरे पास आ रहा है थ्री अल्फा टू के इक्वल ठीक है डियर तो मैं कह सकता हूं कि अल्फा वन इज इक्वल टू तो थ्री अल्फा टू डिवाइडेड बाई फोर

हंड्रेड माइनस टी इज इक्व दूसरे वाले के लिए यदि अपन बात को बोलेंगे 50 में 2 में अल्फा अच्छा. सोचें देखो ये कैंसिल आउट हुआ टू टाइम्स टू अल्फा वन के प्लेस पर मैं अल्फा टू के टर्म्स में वैल्यू पुट कर दू दिस वैल्यू इज थ्री अल्फा टू डिवाइडेड बाई टू इंटू में हंड्रेड माइनस टी इज इक्व इधर अल्फा में टी माइनस फिफ्टी ठीक है साहब अब अल्फा टू से अल्फा टू सही हो गया सॉरी दिस दिस वन वन इज़ इज़ नॉट ये दो बार सही हो गया तो थ्री तो इधर मल्टीप्लाई हुआ थ्री हंड्रेड माइनस थ्री टी टू इधर मल्टीप्लाई हुआ टू टी माइनस हंड्रेड इसको इधर ले फोर हंड्रेड ये वाला फाइव टी तो टी इज इक्वल टू फोर हंड्रेड बाई फाइव इज वॉट एट्टी डिग्री

इनिशियल टेंचर ऑफ वॉटर एंड वेसल प्रारंभिक तापमान कितना है 30 degree Celsius. और वो कह रहा है कि उसके में कितने का इंक्रीमेंट हुआ वाटर की स्पेसिफिक पर पर और ये वाला जो डाटा दैट इज 400 जूल पर केजी पर केल्विन है क्लियर डियर बोला ठीक है सर तो यहां से यदि अपन बात करते हैं <coughs> तो हमने कहा जी साहब देखो धातु जो है वो ज्यादा तापमान पर है तो उसको एनर्जी का लॉस होगा ठीक है कितने का लॉस हुआ मान लो फाइनल टेम्परेचर टी होता है तो लॉस हो गया 0.1 मास इनटू में स्पेसिफिक हीट धातु की विशिष्ट ऊष्मा जो अपने को 400 गिवन है इनटू में 400 इनटू में टेम्परेचर डिफरेंस दैट इज 500 माइनस टी ठीक है फिर उसके बाद गेन किस-किस को हुआ एक तो उस कंटेनर को हुआ जिसकी हीट कैपेसिटी गिवन है सीधा सीधा मतलब हीट कैपेसिटी बोले तो किसकी वैल्यू होती है एम इन टू सी की एम इन सी इसका गिवन है 800 इनिशियल टेम्परेचर है 30 फाइनल अपन ने टी माना है तो टी माइनस थर्टी प्लस में वाटर का अमाउंट कितना गिवन है बिटू 0.5 पॉइंट फाइव एंड वॉट इज द स्पेसिफिक हीट दैट इज फोर्टी टू में टेम्परेचर चेंज दैट इज टी माइनस क्लियर है क्या डियर मैंने एक को लॉस दूसरे का गेन देखो इस वाले चैप्टर में आपको यदि बात समझ में आई हो तो लगभग क्वेश्चन जो है ना तो बेटू इसका टेम्परेचर आता है थर्टी सिक्स पॉइंट समथिंग टेम्परेचर जो आ रहा है वोटर का, का और मेटल का वो थर्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस आ रहा है तो पूछ रहा है कि पानी के तापमान में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई

क्लियर है डियर चलो फिर आगे बढ़ाएं बात को क्वेश्चन नंबर सेवन के बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात करें दैट इज क्वेश्चन नंबर एट देखो एट में क्या कह रहा है टू रोड्स ए एंड बी ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशन एट टेम्परेचर थर्टी डिग्री सेल्सियस की दो धातु की छड़े हैं एक समान आकार की है ताप तीस डिग्री सेल्सियस है ए इज हीटेड अपू वन एटी डिग्री सेल्सियस एंड बी इज हिटेड अपू टी डिग्री सेल्सियस A का तापमान बढ़ाकर एक सौ कर दिया और बी का तापमान बढ़ा के कितना कर दिया टी डिग्री सेल्सियस कर दिया ठीक है? नई जो तक गर्म किया इसको T तक गर्म किया भी भी क्या है समान है इफ द रेशियो ऑफ कॉफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन A एंड बी ए रेख प्रसार गुणाक अनुपात है वो चार अनुपात तीन दिया हुआ है तो टी का मान पूछा है साहब कि उसको कितने तक गर्म किया बोला देखो इनिशियल तो A की जो लेंथ है वो होगी में alpha A, into में 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 कितने का का किया बोलो ना की की दोनों length same है तो मतलब बी की लेंथ में चेंज भी सेम होना चाहिए टी माइनस थर्टी एल इंटू अल्फा भी इंटू में टी माइनस थर्टी ठीक है साहब एल्टो सेट हो गया यहां से जो डाटा आ रहा है दिस वैल्यू इज 150 अल्फा ए अपॉन अल्फा बी इनटू में 150 एंड दिस वैल्यू इज टी माइनस 30 ठीक है साहब। अल्फा ए अपॉन अल्फा बी की वैल्यू जो दे रहा है, दैट इज 4 अपॉन 3 तो इट इज 4 अपॉन 3 इनटू में 150 प्लस में 30 दैट वैल्यू इज इक्वल्स टू 50 ठीक है डियर ये कैंसिल आउट किया तो यह पचास बार शहीद हो गया पचास बुरा चार टू हंड्रेड टू हंड्रेड प्लस थर्टी टू थर्टी तो बी को जिस टेम्परेचर तक अपन ने हीट किया था वो वाला टेम्परेचर आ रहा है डियर कितना टू थर्टी डिग्री सेल्सियस ठीक बात है क्या सर तो इसके करेक्ट आंसर की यदि बात करें तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर एट ठीक है बेटा जी चलो बात को आगे बढ़ाते हैं आगे अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन देखो क्वेश्चन नंबर नाइन बहुत एक कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन है ना मतलब ये इस बात पर बेस्ड है कि स्केल्स में जो चेंज होता है वो लीनियर चेंज होता है बात खत्म और इसका अपन ने एक फॉर्मुला भी पढ़ रखा है स्टार्टिंग में जब जैसे ही हीट पड़ते हैं तो सबसे पहले इसी वाली चीज पर बात बात करते करते हैं हैं स्केल्स के बारे में चलो क्वेश्चन क्वेश्चन की बात करते कह रहा है ग्रेजुएटेड अकॉर्डिंग टू ए लीनियर स्केल रीड्स वैल्यू एक्स नॉट वेन इट इज इन कॉन्टेक्ट विथ बॉइलिंग वॉटर मतलब हंड्रेड डिग्री सेल्सियस जो है ना उसको तो ये रीड कर रहा है एक्स नॉट ठीक एक है जी सर फिर एक्स नॉट बाई थ्री वेन इन कॉन्टेक्ट विथ आइस मतलब जीरो डिग्री सेल्सियस को यह रीड कर रहे हैं क्या एक्स नोट बाई थ्री ठीक है जी सर फिर वॉट इज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन डिग्री सेल्सियस इफ दर्मोमीटर इन कॉन्टेक्ट विद ऑब्जेक्ट रीड एक्स नॉट बाई टू मतलब जब एक्स नॉट बाई टू पड़ता है ना मान लो लेट सपोज द टेम्परेचर इज ट्री डिग्री सेल्सियस और इसको क्या पड़ता है ये

इधर वाला डाटा मेरे पास है देखो वैल्यू इज और इधर वाला डाटा है, है क्या टू एक्स नोट बाई थ्री ओके सर एक्स नोट से तो एक्स नोट सही हो गया ये वाला डाटा नीचे बारह ऊपर तीन तो नीचे चार तो सोल करने पर वैल्यू आ रही है टी बाई हंड्रेड टू वन बाई फोर तो यहां से टी की वैल्यू अपन देखें दैट इज हंड्रेड बाई फोर दैट मीन इसका जो टेम्परेचर है डियर दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस क्लियर है बेटू तो वैल्यू जो अपने पास आ रही दैट इज कमिंग एज थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट वन क्लियर चलो डियर आगे बढ़ाते हैं बात को नाइन के बाद अगले क्वेश्चन की यदि अपन बात करें क्वेश्चन नंबर टेन देखो साहब टेन में क्या कह रहा है ए सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज सराउंडेड बाई ए सिलेंड्रिकल सेल ऑफ इनर रेडियस इनर रेडियस कैपिटल आर एंड आउटर रेडियस टू आर थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द इनर सिलेंडर इज के थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सिस्टम फॉर हीट फ्लोइंग फ्लो द लेंथ ऑफ सिलेड इज अच्छा चलो समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है पहले है ना इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है अपने को इस वाले केस में बहुत ईजी सा और बहुत फेमस सा क्वेश्चन है ये कि यहां पर एक सिलेंडर है ना ठीक है जी सर और इसकी रेडियस है आर इसका जो मैटर है उसकी कॉफिशेंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है केवन फिर इसके साथ इसको सराउंडेड दूसरा मैटर सिलेंडर है ठीक है जी सर उसकी रेडियस है आर से टू आर तक ठीक है बेटा और उसका कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी जो है आउटसाइड वाले का दैट इज के और इन दोनों के प्लेस पर मैं केवल एक सिलेंडर लेता हूं ना कॉफिशेंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के रेडियस टू आर लेंथ एल इसकी भी लेंथ एल मेरे को इस के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इक्विवेलेंट के लिए सिंपल सा बोला ठीक अब देखो यहां पर एक ये रे, इसका रेजिस्टेंस होगा एक आउटसाइड वाले का रेजिस्टेंस होगा और ये दोनों ही किस में होंगे पैरल में या सीरीज में तो में कैसे बेटू लेट सपोज इधर वाले का टेम्परेचर टी और इधर वाले का टेम्परेचर टी है

और R2 की यदि मैं बात करूं तो लेंथ L, कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K2 और एरिया कितना थ्री आर स्क्वायर बोलो डियर हां की ना सही है जैसे ही ये वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूं वन अपोन आर की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है दैट इज कमिंग एस के वन बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल प्लस अच्छा ये समझ में आया ना थ्री 3πR2 आर स्क्वायर कैसे हुआ देखो यदि मैं इसके टोटल एरिया की बात करता हूं तो वो फोर पाई आर स्क्वायर है और इन साइड वाले के एरिया की बात करूं तो वो पाई आर आउटसाइड वाले का एरिया कितना पाई स्क्वायर इंटू में k2, में थ्री पाई आर स्कवाइडेड बाई ठीक है क्या अब यहां से आर इक्वालेंट लिखना चाहे तो आर इक्वेलेंट कितना हो जाएगा लेंथ एल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के और टोटल एरिया कितना बेटा जी फोर पाई आर स्क्वायर यदि मैं इसका रेजिस्टेंस लिखता हूं

मतलब इक्वावेलेंट कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्वेश्चन के लिए यदि अपन बात करें तो इसकी वैल्यू आती है के वन प्लस थ्री के टू डिवाइडेड बाई फोर बोलो हाँ की ना अरे सेट है क्या तो यदि अपन आंसर की बात करें इस क्वेश्चन के लिए तो फर्स्ट आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा बढ़ाएं बात को आगे चलो जी सर आगे बात करते क्वेश्चन नंबर इलेवन देखो जी साहब इलेवन में क्या कह रहे हैं

बहुत बढ़िया तो डियर एक्चुअली इस क्वेश्चन को समझें तो है क्या उसने कहा कि 150 ग्राम पानी है जीरो डिग्री सेल्सियस पर ठीक है ये क्वेश्चन सीएलसी की जो मॉड्यूल है हीट का ना थोटिकल पोर्शन जो ही और वर्कशीट दोनों में ही गिवन है बेटा जी बस डाटा ही चेंज है सेम टू सेम क्वेश्चन गिवन है उसके अंदर वो बोल रहा है कि 150 ग्राम पानी है जीरो डिग्री सेल्सियस पर उसका कुछ फ्रैक्शन तो आपने वाटर में कन्वर्ट कर दिया और कुछ फ्रैक्शन आपका आइस में गया तो मैंने वेपर में गया तो मैंने कहा सर एम ग्राम वेपर बना देते हैं तो 100 माइनस एम ग्राम क्या हो गया बोले 100 माइनस एम ग्रैम हो गया आइस ठीक है क्या हुआ क्या कि जितनी एनर्जी आइस फॉर्मेशन से मिली उतनी एनर्जी वाटर को दे दी और वाटर वो जो है हो गया तो और हम ये डायरेक्टली इस क्वेश्चन में ये जीरो से हंड्रेड का टेम्परेचर इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है डायरेक्टली इवेपोरेट हो रहा है ठीक है तो हमने कहा अभी में, में एनर्जी कितनी चाहिए होगी एम इन टू में ट्वेंटी वन इंटू टेन डेज टू दावर फाइव मैं ये वाला डाटा पुट कर रहा हूँ बिटू 2.1 इनटू टेंस पाव सिक्स है जिसको अपन ने 21 इनटू टेंस पाव फाइव लिख दिया और इधर वाला जो डाटा आया वो आ गया आइस वाला 100 माइनस एम इनटू में कितना बिटू ओह सॉरी इट्स नॉट 100 इट इस 150 ना ये अपनी छोटी सी मिस्टेक है इसको सुधार लेते हैं अभी ल इंटू में कितना थ्री पॉइंट थ्री सिक्स इंटू टेन टू फाइव अब सर टेन डे फाइव तो सीधा प्राप्त वाला, वाला डाटा मेरे पास आ रहा है एम इंटू थ्री पॉइंट थ्री सिक्स इसको इधर लिया तो ये मेरे पास आया ट्वेंटी फोर पॉइंट थ्री सिक्स एम और इधर वाली वैल्यू जो आ रही है दैट इज वन फिफ्टी इंटू थ्री पॉइंट थ्री सिक्स क्लियर है इट इज वन फिफ्टी इंटू थ्री पॉइंट डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फोर पॉइंट थ्री सिक्स क्लियर तो ये तो जो डाटा है ये अप्रोक्सीमेटली मेरे पास 20 ग्राम के इक्वल आता है मतलब कितना वोटर जो है वैपोरेट हो गया

दोनों में अलग अलग लिक्विड है अमाउंट सेम है लिक्विड ए हैज डेंसिटी दिस एंड स्पेसिफिक हीट दिस वाइल लिक्विड बी हैज डेंसिटी दिस एंड स्पेसिफिक हीट दिस अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब देयर टेम्परेचर वर्सेज टाइम ग्राफ स्केमेटिकली। देखो यदि मैं यहां से बात करता हूं ना बेटू तो इस वाले केस में ए की डेंसिटी गिवन है ठीक है बी की डेंसिटी गिवन है ठीक है, एक स्पेसिफिक हीट गिवन है और बी की भी स्पेसिफिक ना है। है कि डेजर्ट एरियाज में नाइट के टाइम में टेम्परेचर बहुत जल्दी फॉल होता है जबकि जो सी एरियाज हैं समुद्री क्षेत्र जो है उनमें तापमान लगभग नियत सा बना हुआ रहता है अपन क्या कहते हैं कि वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होती है तो वो जब एनर्जी लॉस करता है उस एरिया से दूसरा डेजर्ट एरियाज की बात करें तो सेंड वाले केस में एनर्जी लॉस तो सेंड वाले केस में जो एनर्जी लॉस होता है स्पेसिफिक हीट कम है तो उसका डिफरेंस ज्यादा डाउन होता है और सी एरियाज में उसका टेम्परेचर कम डाउन होता है उतने ही एनर्जी लॉस से दूसरा इसका रीजन एक और देते हैं कि डेजर्ट एरियाज जो है ना उनमें नाइट के टाइम में आ, स्काई जो है वो क्लियर होता है जबकि सी एरियाज जो है उनमें नाइट के टाइम में स्काई जो है वो क्लाउडी होता है तो एक ट्रैप भी एनर्जी कर जाती है पर इसका एक रीजन ये भी है मतलब स्पेसिफिक हीट जो है उसको अपन एक रीज़न मान सकते हैं वाटर की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे फॉल होता है और सेंट की स्पेसिफिक हीट जो है वो कम है वाटर की ज़्यादा है सेंट की कम है तो सेंट का टेम्परेचर जल्दी फॉल होता है तो यहां से यदि मैं बात करूं देखो मेरे को तो टेम्परेचर फॉल का टाइम के साथ ग्राफ देखना है सीधा सीधा मैं बोलूँ ना तो सर आंसर जो है थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर ए का टेम्परेचर जो है वो जल्दी फोल करेगा बी का टेम्परेचर जो है वो धीरे फोल करेगा ये अपने इसके लिए अपने को ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है चलो बेटा जी आगे बढ़ाते हैं बात को क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व के बाद यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखो थर्टीन में क्या बोल रहे स्प्रिंग है कि एक

वाटर में ओसिलेट करता है लेकिन विस्कस फोर्स की वजह से धीरे 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 वो सबस्टांस जो आपने मास लगाया था वो ओसिलेशन रोक देता है ठीक है Assume that the water contains spring receives negligible heat and specific heat of mass दे रखी है specific heat of water भी अपने को दे रखा है ठीक है साहब spring को कोई एनर्जी नहीं मिली ना ही उस container को कोई energy मिली ठीक है अब इस क्वेश्चन के साथ मैं कंप्लीटली एग्री नहीं करता ना थोड़ा सा इसमें वेरिएशन मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है वो बोला जाना चाहिए था अदरवाइज कंफ्यूजन रहता है क्या कि जब होगा तो क्या स्प्रिंग में कोई एक्सपेंशन नहीं होगा ये बोलना जाना चाहिए था मतलब ये बोलना चाहिए था कि वो जो दो सेंटीमीटर का एक्सपेंशन है वो कंप्लीटली चला जाता है फिर भी मान सकते हैं यार कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसके बेसिस पर अपन बात कर सकते हैं इसकी तो हुआ क्या स्प्रिंग को खींचा एनर्जी दी आपने छोड़ दिया धीरे 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 रुक गए, मतलब वो जितनी भी एनर्जी थी वो सारी की सारी एनर्जी जो है वो वोटर को चली गई है, वोटर प्लस मास को तो एनर्जी थी कितनी हाफ के एक्स स्क्वायर और वो चली गई किस किस को एक तो 500 ग्राम वाले को मतलब उसका मास है वन टू। और उसकी स्पेसिफिक दे रहा है

वैल्यू इज हाफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कितना गिवन है सर स्प्रिंग गिवन है एट हंड्रेड सो इट इज एट हंड्रेड इन टू में टू सेंटीमीटर टू बाई हंड्रेड इंटू टू बाई हंड्रेड और इधर वाला डाटा जो मेरे पास आ रहा है फोर वन एट फोर इन प्लस में टू हंड्रेड द्री एट फोर इन टू में डेल्टा थी ठीक है जी सर दो जीरो से दो जीरो शहीद हो गए ये दो से दो कटा ये वाला डाटा सिक्सटीन बाई हंड्रेड

और हीट करंट फ्लो करती है डेल्टा टी अपॉन आर थर्मल तो इसके लिए यदि मैं लिखूं टेम्परेचर डिफरेंस दैट इज थीटा टू माइनस थीटा डिवाइडेड बाय आर थर्मल के बारे में यदि अपन बात करें तो ये होता है एल अपॉन के ए एल कितना है डी के ए के बारे में बात करें देन इट इज थ्री के इंटू ए फिर इधर वाले की यदि मैं बात करता हूं तो थीटा माइनस थीटा वन टेम्परेचर डिफरेंस और l अपॉन ka l दे रखा है 3d और साथ में ka क्लियर है क्या डियर तो जी सर अब यदि अपन इसको आगे सॉल्व करें देखो ka के से ka सहयत शायद प्राप्त कर गया d से d सहिद हो गया बोलो हाँ की ना वो उधर गया तो ये बना 9 थीटा 2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू थीटा माइनस थीटा वन ठीक है यहां से सॉल्व किया बिटू तो ये आया 9 थीटा 2 प्लस थीटा 1

That at 40 ब्रास वायर ऑफ वन एम एम रेडियस एम को इसके फ्री एंड से लटका दिया वेन द वायर इज कुल डाउन फ्रॉम फोर्टी डिग्री सेल्सियस टू ट्वेंटी डिग्री ओरिजिनल मीटर वगैरह देखो क्वेश्चन क्या है अपन इंफॉर्मेशन के बारे में बाद में, में बात कर लेते हैं ये एक ब्रास वायर है ठीक है 40 डिग्री सेल्सियस पर इसकी कुछ लेंथ थी और आपने बेटा जी इसके साथ एक मास कैपिटल एम हैंग कर दिया ठीक है तो इसकी लेंथ में चेंज कितने का होगा कितने का होगा सर एम अपॉन अपोन ए साथ में वाई इन टू बोलो डियर ये सुनो बोला हाँ अब वो कह रहा है कि 40 से 20 कर दो ना तो ये जो लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है ये वापस कंप्रेस हो जाता है इसका मतलब ये वाला डाटा जो है फोर्टी माइनस ट्वेंटी दट इज ट्वेंटी कि जितना इंक्रीमेंट हो रहा है वो फोर्टी से ट्वेंटी में लेंथ के डिक्रीमेंट के बराबर होना चाहिए बोलो हाँ कि ना बोले हाँ हमें इस मास कैपिटल एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ठीक है जी सर तो देखो एक तो क्या क्या सही हो गया एल से एल सही हो गया एम जी की वैल्यू कितनी है टेन एरिया दे रखा है पाई वन एम एम स्क्वायर मतलब वन इंटू टेन टू दर माइनस सिक्स

तो एम इज इक्स टू पाई टेनरे और इधर पहले से रेस टू द रखा हुआ है मल्टीप्लाई हो गया किसके साथ के साथ माइनस फाइव प्लस आउट इधर बचा टू पाई तो मास कैपिटल M की आ रही है सिक्स पॉइंट टू एट के जी मतलब आना चाहिए और आंसर जो है इसमें नाइन के जी पहले दिया था कि और कोई डाटा तो वैसे सेट नहीं हो रहा था पर एन टी ए ने बाद में करेक्शन के साथ इस क्वेश्चन को बोनस का रख दिया है ठीक है जी सर आगे बढ़ाते हैं बात को ओके डियर तो अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन की क्या बोल रहा है इसमें वेन कैपिटल एम ग्राम ऑफ आइस एड माइनस टेन डिग्री सेल्सियस और स्पेसिफिक हीट इतना इज एडेड टू एम ग्राम ऑफ डिग्री सेल्सियस फाइनली नो आइस इज लेफ्ट एंड वॉटर इज एट जीरो आइस पूछ रहा है है ना क्वेश्चन क्या है बेटू समझना बात को कि कैपिटल एम ग्राम आइस है माइनस टेन डिग्री सेल्सियस पर और उसको कुछ वॉटर में अपन ने डाला है कैपिटल एम टू ग्राम वॉटर में 50 डिग्री सेल्सियस पर फाइनली मिक्सर जो है उसमें केवल वॉटर है और टेम्परेचर है जीरो डिग्री सेल्सियस तो इस प्रोसेस में क्या हुआ देखो यहां पर मेरे पास एम वन ग्राम आइस थी कितने पर बिटू जीरो डिग्री सेल्सियस पर सॉरी माइनस टेन डिग्री सेल्सियस पर इनिशियली माइनस टेन डिग्री सेल्सियस ये मेल्ट हुई होगी मतलब पहले वोटर जीरो डिग्री सेल्सियस पे आई होगी फिर उसके बाद यह मेल्ट हुई है बोलो हां की ना वोटर एट जीरो डिग्री सेल्सियस और दूसरा आपके पास वोटर था एम टू ग्रैम वोटर कितने पर फिफ्टी डिग्री सेल्सियस और वो भी किस में कन्वर्ट हो गया एम टू ग्रैम वोटर एट जीरो डिग्री सेल्सियस बोलो हाँ की ना इसका मतलब जितनी एनर्जी इसको चाहिए होगी उतनी एनर्जी इसने प्रोवाइड की है तो उसको कितनी एनर्जी चाहिए उसको चाहिए एम वन इन में 0.5 स्पेसिफिक हीट इन टेम्परेचर डिफरेंस 10 प्लस में एम वन इन में लेटेंट हीट एल अच्छा फिर इधर देखें तो इधर 50 से 0 तक गया है तो एनर्जी मिली एम स्पेसिफिक हीट वन में टेम्परेचर डिफरेंस कितना बिटू फिफ्टी अच्छा तो जी सर इतना ही है अच्छा यहां से वैल्यू टेन इंटू पॉइंट माइनस फाइव एम वन यदि अपन यहां से एम वन से डिवाइड कर दे इक्वेशन को दिस वैल्यू बिकम्स फिफ्टी एम टू डिड बाई एम वन माइनस में कितना बिटू फाइव दिस विल बी दी लेटेंट हीट इन दिस कंडीशन बोलो डियर क्लियर है क्या तो करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का is, बहुत आसान सा कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी दे दी देखो कैलोरी मेट्री के लगभग क्वेश्चन जो है सारे के सारे इसी कंसेप्ट बेस्ड है ठीक है डियर चलो अपन बात को आगे बढ़ाए क्वेश्चन नंबर 16 के बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 तो जी सर 17 में क्या बोल रहा है वो बोल रहा है वन के जी ऑफ वॉटर एट ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस इज हीटेड इन एन इलेक्ट्रिक कैटल हु इज एलिमेंट हैज अ मीन रजिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी ओम टेम्परेचर एवरेज ठीक है द आर एम एस वोल्ट इन द मैंस इज टू हंड्रेड वोल्ट इग्नोरिंग हीट लॉस फ्रॉम द कैटल टाइम टेकन वॉटर टू एवेपोरेट फुल्ली इज क्लोज टू स्पेसिफिक हीट द दी लेटेंट हीट दी ठीक है जी साहब ये बोल क्या रहा है देखो क्वेश्चन क्या है कि एक केटली है इलेक्ट्रिक केटल है जिसका रेजिस्टेंस इतना है इस पे आरएमएस वोल्टता अपन ने इतनी लगाई है ठीक है और इसकी हेल्प से अपन ने कुछ टाइम में 1 केजी वाटर थाउजेंड ग्राम वाटर का टेम्परेचर बढ़ा के और उसको इवेपोरेट कर दिया है ठीक है जी सर टेंपरेचर इनिशियल था 20 ठीक है बिटू तो यदि अपन इसके लिए बात करें देखो वोटर को कितनी एनर्जी चाहिए होगी इवेपोरेट होने के लिए मैं वो बात कर लेता हूं तो पहले वोटर है ट्वेंटी पर तो वोटर कहां गया होगा वन केजी वोटर एट ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस ये पहले किस में गया होगा वन के जी वोटर एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट हुआ होगा फिर किस में कन्वर्ट हुआ होगा वन के जी स्टीम बोलो हां की ना इस प्रोसेस में वाटर को कितनी एनर्जी चाहिए होगी प्लसर वन इन टू स्पेसिफिक अभी टू एटी प्लस में डिफरेंस कितना है टू टू सिक्स जीरो किलो जूल तो वन इंटू डबल टू सिक्स जीरो इंटू टेन रेस टू पावर थ्री अब ये एनर्जी किसने दी होगी हीटिंग एलिमेंट ने हिटिंग एलिमेंट पर सेकंड कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा ठीक है तो ये वाला जो स्क्तर इंटू टेन रेसू में टाइम टी बोलो डियर ठीक बात है अच्छा अब देखो टेन की पावर की बात करें ना एक दो तीन इधर ये तीन और इधर ये चार तो जी सर ये तीन पावर ये तीन पावर और ये तीन पावर तो सही हो गई अच्छा फिर इधर कितना बचा 42 टू इंटू कितना आया 336 प्लस में ये वाला डाटा डबल टू सिक्स जीरो वाला डाटा इधर वाला कितना सर 40 बाई टू टर्ट इज ट्वेंटी इंटू में टी तो टी की वैल्यू मेरे पास आ रही है दिस वैल्यू इज सिक्स नाइन फाइव टू फाइव नाइन सिक्स डिवाइडेड बाई ट्वेंटी बोलो भाई हाँ की ना सोल्व कर लो आप तो सोल्व करने पर ये वाला डाटा मेरे पास आएगा नो आठ 129. ट्वेंटी पॉइंट अपन ने डियर इसमें ना एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर ली क्या ये प्रतिरोध जो है वो 20 ओम है मतलब ये वाला डाटा टू जीरो जाएगा तो 40 अपॉन 20 ये वाली वैल्यू आ जाएगी कितनी बेटू टू, टू? अपन इसको एक बार दोबारा से लिख लें यहाँ से ये वाला डाटा आ गया मेरे पास टू टी ठीक है तो टी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी टू फाइव नाइन सिक्स डिवाइडेड बाई टू डाटा मेरे पास आ रहा है वन टू एट वन टू नाइन एट सेकेंड बारह सो अठानवे सेकेंड आ गया अब यदि अपन यहां से मिनट में इस डाटा को कैलकुलेट करते हैं तो अप्रोक्सीमेट देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली देखो बारह सौ सेकेंड का डाटा जो है वो बीस मिनट के आसपास होता है साठ और ऊपर हो रहे, तो अड़तीसिमेटली ट्वेंटी राउंड ऑफ करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो अपने पास ट्वेंटी टू मिनट आ जाएगा ठीक बात है क्या डियर चलो जी सर आगे बढ़ाते हैं बात को सेवनटीन के बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन की देखो एटीन बहुत लॉजिकल और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना

तो सी की जो वैल्यू है दैट इज व्हाट 60 इज द करेक्ट आंसर क्लियर बेटा जी चलो आगे बढ़ाते हैं बात को क्वेश्चन नंबर 18 के बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की देखो जी सर 19 में क्या कह रहा है एम ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विथ 200 ग्राम ऑफ आइस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन अ थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर ठीक है इट इज प्रोड्यूस्ड इफ इट प्रोड्यूसेस लिक्विड एट 4

200 ग्राम आइस है कितने डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री सेल्सियस पर पहले क्या हुआ होगा ये पूरी की पूरी वाटर में कन्वर्ट हुई होगी कितने डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री सेल्सियस पर फिर ये किस में गई होगी वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ होगा और वाटर का टेम्परेचर कितना हो गया होगा 40 डिग्री सेल्सियस बोलो हां की ना तो इस प्रोसेस में यदि मैं प्रोवाइडेड एनर्जी कैलकुलेट करता हूं तो इसको एनर्जी चाहिए होगी 200 स्पेसिफिकट कितनी देर की पांच सौ चालीस चाहिए ही नहीं है ना 200 हंड्रेड इंट टेम्परेचर चेंज तो हुआ ही नहीं सीधा फेज चेंज हुआ है तो 200 हंड्रेड इंटू में कितना 80 फिर उसके बाद वाटर में 200 हंड्रेड इंटू में वन इंटू टेम्परेचर डिफरेंस 40 ठीक है जी साहब अब दूसरी तरफ से यदि मैं सोचूं तो दूसरी तरफ मेरे पास स्टीम है कितनी एम ग्राम स्टीम एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ये पहले किसमें आई होगी वाटर में तो m ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस फिर ये वाटर जो है इसका टेम्परेचर डिक्रीज हुआ होगा तो ये बना होगा m ग्राम वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस बोलो डियर यस औरनु अरे सही है क्या तो इसने कितनी एनर्जी दी होगी इसने एनर्जी दी होगी m 540 प्लस में m 1 टेंपरेचर डिफरेंस कितना 60 ठीक है जी साहब तो यहां से वैल्यू सॉल्व करें इट थाउजेंड प्लस में ये वाला डाटा कितना एट थाउजेंड इज इक्व टू इट इज एम इन टू सिक्स हंड्रेड फाइव फोर्टी प्लस हंड्रेड दो जीरो से तो दो जीरो से ही दोगे वन सिक्सटी प्लस एट्टी टू फोर्टी डिवाइडेड बाई कितना सिक्स ये अपने पास स्टीम का अमाउंट आ गया जो ग्राम में कितना आ रहा है सर फोर्टी ग्राम आ रहा है तो इन्होंने यही पूछा था कि एम ग्राम स्टीम है तो इसकी वैल्यू कितनी थी तो m की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है दैट इज कमिंग एज 40 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 40 चलो डी डियर, आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को आगे बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 20 की देखो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है तीन कंटेनर है c1 c2 और c3 जिनमें डिफरेंट टेंपरेचर्स पे वाटर है उनमें से जैसे c1 से अपन ने 1 लीटर वाटर लिया से दो लीटर लिया और मिला दिया तो लगा कि फाइनल टेम्परेचर जो है मिक्सर का वो फिर लास्ट वाले प्रोसेस में आपने C1 से एक लीटर लिया C2 से एक लीटर लिया और C3 से भी एक लीटर लिया और आपको टेम्परेचर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बोलो डी ठीक है अच्छा तो यदि मैं इसमें बात करूं बिटू देखो जनरली अपन क्या कहते हैं जैसे मान लो इसका मास है एम वन स्पेसिफिक हीट है सी वन इसका मास है एम टू इसके स्पेसिफिक है टी वन इसका टेम्परेचर है टी टू तो अपन कॉमन टेम्परेचर की जब बात करते हैं ना बिटू तो वो अपने पास आता है एम वन सी वन टी वन प्लस एम टू सी टू टी टू डिवाइडेड बाई एम वन सी वन प्लस एम टू सी टू बोलो भाई की ना ठीक है तो बेटा जी अब अपन अपने, अपने क्वेश्चन में चलते हैं मिक्सर का यही लगाते हैं अपन पहले क्या कह रहा है एक लीटर इसका और इसका दो लीटर और फाइनल तो सिक्स का टेम्परेचर टी वन इसका टी टू इसका टी थ्री तो अपन पहले के लिए बात करते हैं पहले प्रोसेस में टेम्परेचर आ रहा है सिक्सटी कितना मास लिया वन सी वन सी टू सीवन सी टू यह तो बराबर है तो आप ये भी तो कह सकते हो कि इफ सीवन इज इक्व टू सी टू है तो ये वाला डाटा एम वन टी वन प्लस एम टू टी टू अपन एम वन प्लस एम टू होगा तो जी सर अपन ने कहा वन इंटू टी वन प्लस टू मास तो ऐसे ही हो ना। से मल्टीप्लाई करोगे भी कैंसिल आउट हो जाएगी फिर दूसरे वाले केस में क्या कह रहा है एक लीटर और दो लीटर ले रहा है तो हमने कहा जी सर और फाइनल टेम्परेचर कितना बेटा थर्टी तो थर्टी इज इक्वल टू एक और दो वन इंटू टी टू प्लस में टू इंटू टी थ्री डिवाइडेड बाई वन प्लस टू ठीक है जी साहब फिर तीसरे वाले केस में क्या कह रहा है इसका दो लीटर और इसका एक लीटर फाइनल 60 इज तो 60 टू टू टी वन प्लस टी टू टी थ्री डिवाइडेड बाई टू प्लस वन बोलो डियर हां की ना बोला सही है अब यहां से अपन इक्वेशंस को सोल्व करते हैं ना देखो ये वन प्लस टू इधर गया थ्री सिक्सटी वन T1 वन प्लस टू टी टू जो है वो 180 आ रहा है फिर इसी टाइप से T2 टू प्लस टू टी थ्री जो है वो मेरे पास कितना आ है? 90. फिर इधर से देखा तो ये 180। और ये वाला डाटा किसका है टू टी वन प्लस टी थ्री का बोला तो ठीक है सर अब सोचो यदि मैं तीनों इक्वेशन को एड कर दू तो इधर तो बन रहा है थ्री टी वन प्लस थ्री टी टू प्लस थ्री टी थ्री इन दिस डाटा इज इक्वल टू अठान छत्तीस पैतालीस फोर फिफ्टी तो जी सर टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री जो आ रहा है ना दैट वैल्यू इज कमिंग एज बोलो डियर यस और नो बोला अब भाई आगे बढ़ाते हैं बात को वो क्या कह रहा है सी वन का एक लीटर सी टू का एक लीटर और सी थ्री का एक लीटर तो टेम्परेचर थीटा कितना आएगा हमने कहा जी सर देखो बहुत सिंपल सा है अब तो थीटा इज इक्वल टू एम वन टी वन वन इंटू टी वन

तो फाइनल टेम्परेचर जो कॉमन टेम्परेचर आ रहा है दैट इज डिग्री सेल्सियस तो इस क्वेश्चन की यदि अपन बात करें तो हिसाब थीटा की वैल्यू जो है वो डिग्री सेल्सियस में अपने पास कितनी आ रही है क्लियर है, है बेटा जी ओके डियर सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड और इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि जेई मेन्स और चाहे आप एडवांस की बात कर लो चाहे आप नीट के पेपर की बात कर लो हीट जो है वो अपने आप में एक इजीएस्ट चैप्टर और बहुत वेटेज वाला चैप्टर है यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं तो हीट नो डाउट आपका बहुत अच्छा प्रिपेयर होना चाहिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम गुड बाय